गाजी न्यूज़ चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। जापान की वसीदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि जापान में 10 साल के अंदर मुसलमानों की आबादी दो गुना बढ़ी है। इस रिपोर्ट में इस्लाम स्वीकार करने वाले ज्यादातर नौजवान हैं, यानी जापान में नौजवानों की पहली पसंद इस्लाम धर्म बन चुका है। जापान में इन 10 सालों में सिर्फ मुसलमानों की संख्या में ही नहीं बल्कि मस्जिदों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिससे दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है। जापान में लोग तेजी से इस्लाम धर्म अपना रहे हैं, बड़ी संख्या में वहां के लोग इस्लाम से आकर्षित हो रहे हैं और बड़ी तादाद में इस्लाम धर्म कबूल कर मुसलमान बन रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। 2010 में जापान में मुसलमानों की आबादी 110,000 थी, लेकिन 2019 में ये बढ़कर 230,000 हो गई है। इनमें से 50,000 जापानी युवा भी शामिल हैं, जो धर्म बदलकर मुसलमान बन गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम धर्म कबूल करने वालों की बड़ी संख्या एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी के छात्रों की बताई जा रही है। आपको बता दें, जापान में देश की आबादी घट रही है क्योंकि वहाँ पे बीते सालों में जन्म दर में कमी देखी गई है, इसीलिए जापान में काम करने वाले युवाओं की संख्या घटने का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से जापानी सरकार विदेशी वर्कर्स और स्टूडेंट को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक जापान की आबादी 12.6 करोड़ है। अब जैसे जैसे जापान में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, वैसे वहां पर मुसलमानों के लिए सुविधा भी बढ़ी है। बिपू मुस्लिम एसोसिएशन के प्रमुख अब्बास खान ने बताया कि 2001 में जब वो पाकिस्तान से जापान गए थे तब वहां मस्जिदों की संख्या 24 थी, लेकिन अब यहां मस्जिदों की संख्या 110 से भी अधिक हो गई है। अब्बास खान का कहना है कि ये बदलाव स्वागत के लायक है। इतना ही नहीं, पिछले साल जापान में हुए ओलंपिक के दौरान जापान की सरकार ने विदेशी मेहमानों के लिए मोबाइल मस्जिद की भी व्यवस्था की थी। ये मस्जिद ट्रक के पिछले हिस्से में बनी है। ट्रक के पिछले हिस्से में लगभग 48 वर्ग मीटर का एक कमरा बनाया गया और इन्हें स्टेडियम के बाहर खड़ा किया गया। आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं ट्रक में बनी ये खूबसूरत मस्जिद, जिसमें लगभग 50 लोगों के नमाज अदा करने की व्यवस्था मौजूद है। ये मस्जिद पूरी तरह से एयर कंडीशन है। इसी के साथ ही इसमें वुजू करने की व्यवस्था भी मौजूद है, जिसके चलते इस मोबाइल मस्जिद ने खूब वाहवाही बटोरी थी। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा।